हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर। आज हमारा कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, यहां से आपको एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। पूछा जाता भी और पूछे गए भी हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जाम में नहीं आए, किसी एक शिफ्ट में ना आए मान लीजिए, लेकिन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताया था कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, और कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन लैंग्वेज को ही जानता है। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज के अलावा और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1। इसे मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कह देते हैं। तो एक ही बात है साथियों, मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कह देते हैं। यह होती है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही जानता है, इसके अलावा कंप्यूटर को और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम है यूजर, यूजर होता है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है और ये है कंप्यूटर, सही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यूजर जो है जो हम चला रहे हैं, हमें 0 और 1 नहीं आता, कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती, तो कम्युनिकेट करें कैसे, काम करवाएं कैसे। जैसे अगर बात करें, एक ये है लड़का, ठीक है, और एक है लड़की, बस चेहरे पे स्माइल आ गई। लड़का लड़की का नाम लेते ही वो चेहरे पे यूं स्माइल खिल जाती है, पता नहीं क्या ही कह दिया हूं मैंने, है ना। लड़का लड़की की बात ही करेंगे कोई, या और कोई एग्जांपल लेके आऊं मैं, तो ये है एक बॉय और ये है जो लड़का है इसका नाम है बंटी और जो लड़की है इसका नाम है बबली, ठीक है। लड़के का नाम क्या है, बंटी, और लड़की का नाम क्या है, बबली, ठीक है। ये चलो मैं लड़का लड़की नहीं करता, बंटी और बबली कर देता हूं मैं। ये है बंटी और ये है बबली, और बंटी और बबली अब इन दोनों को क्या करनी है, बातें करनी है। बातें तो करेंगे ना, एक भाई बैठे तो ना रहेंगे, बातें करनी है। अब बातें करनी है तो बातें करेंगे कैसे, बोलेंगे कुछ, बोलेंगे, लेकिन बोले कैसे। बंटी को आती है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी आती है, और बबली को आती है इंग्लिश। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बंटी को इंग्लिश नहीं समझ में आती बिल्कुल भी, और बबली को हिंदी नहीं समझ में आती बिल्कुल भी। लेकिन अब दोनों जने पार्क में बैठे हैं तो बातें तो करनी पड़ेगी, अब बातें कैसे करें। अब ये प्रॉब्लम आ रही है दोनों को, इसको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, इसको इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती। अब बातें भी करनी है, गुटरगू भी करना है, करे कैसे, क्या करे। वही चीज हमारी कंप्यूटर के साथ भी हो रही है कि यूजर को 0 और 1 नहीं आता, कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती। अब हम इसके लिए कम्युनिकेट कैसे करें, बातचीत कैसे करें, यही क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है साथियों, नंबर सिस्टम होता है, याद हो जाएगा ये। तो ये बंटी और बबली, अब इन दोनों की बातें करवानी है हमने, या तो बंटी को हमारी भाषा सिखाओ बबली की भाषा, या बबली को बंटी की भाषा सिखाओ, तब दोनों क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बंटी और बबली को उनकी लैंग्वेज सिखाते हैं, कैसे करते हैं। तो नंबर सिस्टम समझ में आया, पहले कहते किसे हैं, नंबर सिस्टम यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने का क्या है, एक वे है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा यूजर अपने जो इनपुट होता है वो कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसे समझता है और हमारे सामने क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अब हमने तो दिया 2, 3, 5, 8, 10, 19, 20, A, B, C, लेकिन कंप्यूटर को 0 और 1 आता है, तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज तक पहुंचाने के काम में ट्रांसलेट कौन करता है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेट कौन करता है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम समझ में आया आपको, नंबर सिस्टम सेकेंड बात करें कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है साथियों, तो नंबर सिस्टम होता है 4 प्रकार का, 4 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट वन होता है आपका सबसे पहला बाइनरी,
सेकंड होता है हमारा डेसिमल, थर्ड होता है हमारा ऑक्टल एंड फोर्थ होता है हमारा हेक्साडेसिमल। नोट कर लीजिए साथियों, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं। नंबर सिस्टम होता है चार प्रकार का, फर्स्ट वन इज बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सीक्वेंस की कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन इनको इस प्रकार से लिख देते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, चार प्रकार का होता है। अब आपके कन्वर्जन पूछा जाता है ज्यादातर कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा, जैसे बाइनरी टू अदर, डेसिमल टू अदर, ऑक्टल टू अदर, हेक्साडेसिमल टू अदर। तो बात समझ आई, बाइनरी है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो नंबर बाइनरी का है, बाइनरी का बेस होता है, हर नंबर का अपना क्या होता है, बेस वैल्यू होती है। आपको एग्जाम में ये नहीं देगा कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज कीजिए, ऐसे नहीं देगा कभी भी कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, आपको कभी एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा। आपको पहचान करनी होगी, पहचान करने के लिए यूज करते हैं किसका, उसके बेस वैल्यू का, उसके बेस नंबर का क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो बाइनरी की बेस वैल्यू कितनी होती है, पहले देखते हैं बाइनरी में नंबर कितने होते हैं। अभी बताया बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में कितने नंबर होते हैं, आप कहोगे सर दो होते हैं, जीरो और वन। तो दो नंबर है तो बाइनरी का बेस कितना होता है साथियों, वो होता है टू। बाइनरी का बेस कितना होता है साथियों, टू होता है, ध्यान रखना, ये पैरों में लिखना है इसके। डेसिमल के अंदर वैल्यू होती है जीरो से लेकर नाइन तक, ध्यान रखना है, डेसिमल में वैल्यू होती है जीरो से नाइन तक, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। अगर एक बात वैसे ही गौर की जाए, एक बात वैसे ही गौर कर ली जाए कि नंबर सिस्टम की अगर बात ना करें, हम मैथमेटिक्स की बात भी करें, तो काउंटिंग कितनी होती है, जीरो से लेकर नाइन तक ही तो होती है, बाकी जो बाद में बने हैं वो डिजिट्स को जोड़कर ही तो बने हैं। 10 बना है तो 1 और 0 को मिलाकर बना, 11 बना तो 1 और 1 को मिलाकर बना, 15 बना तो 1 और 5 को मिलाकर बना। तो ध्यान रखना डेसिमल के अंदर कितने नंबर होते हैं, डेसिमल 10, तो 0 से लेकर अगर 9 तक मैं काउंट करता हूं तो कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। इसीलिए डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है, ध्यान रखना है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल, ऑक्टल 8 का कुछ आ रहा है साउंड प्रोनाउंसिएशन, तो इसमें होती है 0 से लेकर 8 तक होता है, इसमें जो सॉरी इसमें नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक है, अगर इनको काउंट करेंगे तो 8 बनते हैं ये, देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऑक्टल का कितने नंबर है, 8 है, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, देख लीजिए द्वारा, ऑक्टल में नंबर होते हैं 0 से लेकर 7 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक अगर नंबर काउंट करेंगे तो ये नंबर बनते हैं 8, तो ऑक्टल का बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 से लेकर 15 तक, क्या होते हैं, 0 से लेकर 15 तक होते हैं। तो ये होते हैं, देख लीजिए, ये 0 से 15 तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपको बताया काउंटिंग होती तो 9 तक ही है, लेकिन अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 0 से लेकर 15 तक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक तो होते हैं नंबर, और जो 10 से लेकर 15 तक होते हैं अल्फाबेट होते हैं। तो अल्फाबेट की स्टार्टिंग होती है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो अगर आपने देखा हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये 0 से लेकर 15 होते हैं इसके अंदर,
और अगर मैं 0 से लेकर 15 तक काउंट करता हूं तो ये बनते हैं 16, क्योंकि ये देखो 15 तो नंबर हो गए और एक 0 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑक्टल की बात करें, 0 से लेकर 7 है तो 7 तो नंबर हो गए, एक 0 को काउंट करेंगे तो 8 हो गए ना। डेसिमल की बात करें तो 9 होते हैं, एक 0 को काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 है, एक 0 को काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 को भी काउंट करना है। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 होता है। दोबारा देख लीजिए, ऑक्ट बाइनरी दो नंबर हैं, 0 और 1, इसलिए बाइनरी का बेस होता है 2। डेसिमल में नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो कितने नंबर हैं, 10 नंबर्स हैं। 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे कितने नंबर बनेंगे, 10 नंबर बनेंगे, तो बेस कितना होगा, 10 होगा। ऑक्टल की बात करें तो 0 से लेकर कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 नंबर हैं और 0 काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो बेस कितना होता है, 8 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 15 होता है, ठीक है। और 0 से लेकर 15 भी क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है 0 से लेकर 9 और 10 टू 15। तो 0 से लेकर 9 तक तो यूज करेंगे हम नंबर का, और 10 से लेकर 15 तक अगर कोई नंबर आता है तो हम उसके स्थान पर करेक्टर का यूज करेंगे। तो 15 तो हो गए नंबर और 1 हो गए 0, तो कितने हो गए, 16। तो बेस आपको याद रखने हैं, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस होता है 10, डेसिमल का बेस कितना होता है 10, ऑक्टल का 8, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10। क्योंकि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा, क्या क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ यहां पे कोई नंबर लिख देगा, इस नंबर को आपने चेंज करना है। पहली चीज तो मुझे यही बता दीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा। अब मुझे ये बताइए कि किस नंबर को किस में चेंज करना है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, इसके बेस में कितना है, 2 लिखा हुआ है, तो ये नंबर कौन सा है, बाइनरी। इसके बेस में कितना लिखा हुआ है, 8, तो ये क्या है, ऑक्टल। मतलब बाइनरी को किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। इसका मतलब क्या होगा बताइए जरा मुझे, इसका मतलब क्या होगा। आप कहोगे सर बाइनरी के बेस लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब है बाइनरी, उस पे बेस लगा हुआ है 16, तो मतलब वो क्या होगा, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी को चेंज करना है किस में चेंज करना है साथियों, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, परिवर्तित करना है, ट्रांसलेट करना है, याद हो जाएगी चीज। जैसे मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। अब आपने देखा यहां पर बेस कितना है, 8 है, बिल्कुल सही है। यहां पर बेस कितना है, 2 है, तो आपने देखकर बताया सर 8 है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्टल है। और यहां पर 2 लिखा है तो हमें पता है कि इसका नंबर क्या है, बाइनरी है। तो ऑक्टल को चेंज करना है किसमें चेंज करना है, वो चेंज करना है बाइनरी में चेंज करना है, याद हो जाएगा साथियों ये चीज। तो बेस वैल्यू हमें अच्छे से याद करनी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके आपने किए भी होंगे। अब एक ही ऐसा तरीका करेंगे जिससे सारे के सारे निकाल लो आप, हम एक ही तरीका करेंगे उससे आप ये 12, देखो इससे अगर करेंगे तो 3 बनेंगे, इससे करेंगे तो 3 बनेंगे, 6 हो गए, इससे करेंगे तो 3 हो गए, 9 हो गए, इससे करेंगे तो 3 हो गए 12। टोटल ये 12 प्रकार के ट्रांसलेटर हैं, 12 प्रकार के। कैसे है द्वारा देख लीजिए, बाइनरी को हम चेंज करेंगे पहले डेसिमल में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्साडेसिमल में, फिर डेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, फिर ऑक्टल को चेंज करेंगे किसमें, बाइनरी में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी में, डेसिमल में और ऑक्टल में। तो ये कितने हो गए, 3, 3, 3 और 3, कितने कन्वर्जन हो गए, 12 कन्वर्जन हो गए। ध्यान रखना है साथियों, कितने हो गए, ये 12 हो गए। तो 12 प्रकार के हम कन्वर्जन देखेंगे, ट्रांसलेट देखेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा जा रहा तो जाता है बाइनरी से डेसिमल, लेकिन वेद स्टडी ग्रुप है ये, ध्यान रखना, वो आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज पे काम करके, ठीक है जी। आपको मैं ये पूरे डिटेल से कराऊंगा, ये 12 के 12 कंपोनेंट कहीं पर आपको नहीं करवाए जाएंगे, ये आपको अगर करवाएगा तो बाइनरी से डेसिमल करवा देते हैं और डेसिमल से बाइनरी करवा देते हैं, लेकिन आपको यहां पर पूरा 12 के 12 करवाए जाएंगे, विद डिटेल कराऊंगा मैं आपको, पूरे एग्जांपल्स के साथ कराऊंगा आपको।
तो बेफिक्र रहिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, पूरा आपको मैं ये कराऊंगा, बस आपको समझते रहना चीजों को, एक ही तरीका कराऊंगा, ये 12 के 12 एक ही तरीके से हो जाएंगे, कोई अलग तरीका नहीं है, कोई 8 से डिवाइड नहीं करना, 16 से डिवाइड नहीं करना, 4 से पता नहीं क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं, किसी को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है ना, 16 से मल्टीप्लाई करना है कि 16 से डिवाइड करना है, तो चीजें हम बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे, ताकि एक ही होता है ना कि 100 रोगों की एक दवा, एक दवाई ले लो सारे रोग 100 खत्म हो जाएंगे, वही चीज यहां पर है, एक तरीका करेंगे 12 के 12 हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर ले, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन लाता है बातचीत करने के लिए। नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, नंबर सिस्टम होता है 4 प्रकार का, फर्स्ट होता है बाइनरी, सेकेंड होता है डेसिमल, थर्ड होता है ऑक्टल और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इनकी बेस वैल्यू से ही हमें क्वेश्चन की पहचान होती है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से कोई कन्वर्जन आपको दे देगा, कोई भी दे देगा कि इसको इससे करना है, किसी से भी करना है, हम ये सारी चीज पढ़ेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर, एसएससी में, अभी सीटेट का एग्जाम उसमें क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम वाला। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी काफी है, और मैथ की बिल्कुल बेसिक नॉलेज अगर आपको है ना तो भी आप कर सकते हो, अगर आपको प्लस माइनस करना आता है तो, अगर आपको सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आता है तो भी आप इसको कर सकते हो, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा है कैलकुलेशन टॉपिक है लेकिन है इजी, ठीक है साथियों, ये आपको सही में आएगा जितना। तो इस नंबर सिस्टम में आज इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बाइनरी से अदर, टॉपिक हमारा रहेगा बाइनरी टू अदर, मतलब बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छी टॉपिक है, अच्छा वीडियो है, पूरा इसको हम आराम से पढ़ के चलेंगे, थोड़ा करो लेकिन समझ के करो, मेरा तो ये मानना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को थोपो, देखा होगा थोड़ी थोड़ी आपको करवा रहे हैं, थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो, और यूं ही फील आ रहा होगा ना डेली आप लग रहे हो, ऐसे लग रहे हैं कि डेली क्लास ले रहे हो, तो डेली क्लास लिया करो, डेली पढ़ा करो, फील लिया करो कि हम घर में ही या हम कोचिंग सेंटर पर ही जा रहे हैं और टीचर हमारे सामने खड़ा है और हमें पढ़ा रहा है। अगर आप इस प्रकार की इमेजिनेशन करोगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। यूं मत सोचो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूं सोचो वीडियो मोबाइल रखो, यूं सोचा करो कि टीचर हमें सामने ही पढ़ा रहा है, क्लासरूम के अंदर बैठे हैं हम, प्रॉपर रूप से क्लास के फॉर्म में बैठा करो, मोबाइल पढ़ तो नहीं, मोबाइल के अंदर वीडियो चला रखी है, कोई सो के पढ़ रहा है, कोई तकिया लगा रखा है किसी ने, है ना, कोई खाना खाते खाते पढ़ रहे हैं, तो क्लास के वे में पढ़ोगे ना, पूरा प्रॉपर देखो कि 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास आती है, ज्योग्राफी की क्लास आती है, हिस्ट्री की आ रही है और एक कंप्यूटर की आ रही है, तो प्रॉपर रूप से क्लास लगाया करो, एक टाइम बना लो अपना इवनिंग का या जो भी आपका रहता है मॉर्निंग का, कि सुबह उठते ही मैंने पहले 4 क्लासें लगानी है अपनी, तो आपकी एक रूटीन बनाओ इस चीज को अपना, और आप खुद देखोगे कि चीजें आपको कवर होती जा रही हैं, और ऐसा लगेगा, फील भी होगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो ये सिलेक्शन लेने के तरीके होते हैं, हम कहते हैं सर मैं कितना पढ़ रही हूं, मैंने सर बहुत सी चीजें याद कर ली हैं, लेकिन मुझे याद नहीं होता, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। हम अगर सिलेक्शन के पीछे भागेंगे ना, बाबा कहते हैं ना, बाबा रणछोड़ दास कह के गए हैं कि कामयाबी के पीछे, कई होते ना कि जैसे हम कामयाबी के पीछे भागते हैं या पढ़ाई के पीछे भागते हैं, है ना, कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो पढ़ाई के पीछे इतना मत भागिए, ठीक है, आप कुछ अच्छा कीजिए तो आपको अपने आप वो चीजें रिवाइज होती चली जाएंगी, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खूब मन लगा के पढ़िए और खूब दिवाली का आप इंजॉय कीजिए, यही हमारा वेस्ट स्टडी ग्रुप का आपके लिए उद्देश्य है। और एग्जाम भी नेड़े आ रहे हैं, मतलब पास आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं आपके एग्जाम, तो पूरा आप स्टडी पे ध्यान दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।